अभी आप जो मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं अभी एक सोसाइटी के बिल्कुल सामने खड़ा हुआ हूँ और आज हम यही सोसाइटी विजिट करने वाले हैं और आपको इसी सोसाइटी के बारे में कुछ जानकारी देने वाले हैं। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो उन लोगों के लिए होने वाली है जो नोएडा एक्सटेंशन के अंदर प्रॉपर्टी रेंट पर सर्च कर रहे हैं और वो भी जीरो ब्रोकरेज पे। तो आज की वीडियो में मैं आपको जीरो ब्रोकरेज पे आपको रेंट पर प्रॉपर्टी दिला दूंगा। तो ये जो आप देख रहे हैं मेरे पीछे जो प्रोजेक्ट है, इसका नाम है विक्ट्री वन और ये लोकेटेड है नोएडा एक्सटेंशन सेक्टर 12 नियर राजेश पायलट चौक। और इसके अंदर अगर हम बात करें तो इसके अंदर आपको तीन साइज के फ्लैट आपको मिल जाते हैं। इसमें आपको 2 BHK, 2+ study और 3 BHK, तो उसमें आपको ये तीन साइज के आपको रहने वाले हैं। और वो क्या प्राइस में आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं और सोसाइटी के अंदर क्या खास बात रहने वाली है, तो वो सारी जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। तो जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है विषम शर्मा और आप देख रहे हैं द फैमिली हेल्पर यूट्यूब चैनल। तो चलते हैं आज की वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको यहाँ की कनेक्टिविटी क्लियर कर देता हूँ। ये जो आपकी विक्ट्री वन सोसाइटी पड़ती है, ये बिल्कुल आपका 130 मीटर रोड नियर राजेश पायलट चौक के बिल्कुल पास लोकेटेड है। और यहाँ से अगर मैं बात करता हूँ परी चौक की, तो परी चौक यहाँ से आपको जाने में मात्र 15 से 20 मिनट लगने वाले हैं। गौर सिटी अगर चौक जाना है आपको, तो यहाँ से आपको सिर्फ 5 से 7 मिनट आपको लगने वाले हैं गौर सिटी चौक के। यहाँ पर आपको 14+ मॉल, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और होटल्स, ये सारी चीज़ें आपको नियर बाई आपको मिल जाती हैं। इसके अलावा अगर बात करता हूँ दिल्ली और नोएडा की, तो यहाँ से दिल्ली और नोएडा जाना भी आपको सिर्फ 20 से 25 मिनट के अंदर आप दिल्ली नोएडा आप आसानी से पहुँच सकते हैं। NH-24 इंडिया का सबसे चौड़ा हाईवे और उसकी कनेक्टिविटी भी यहाँ से मात्र 15 से 20 मिनट की दूरी पर रहने वाली है। बाकी मैं इस प्रोजेक्ट की अगर बात करूँ, तो इस प्रोजेक्ट के अंदर सिर्फ आपको फ्लैट मिलने वाले हैं। और एमिनिटीज़ की बात करूँ तो ये गेटेड सोसाइटी रहेगी, जिसके अंदर आपको CCTV कैमरा, सिक्योरिटी गार्ड, ये तो आपको बेसिक हर सोसाइटी के अंदर आपको हाई राइज के अंदर मिल ही जाते हैं। इसके अलावा यहाँ पर आपको स्विमिंग पूल, जिम, क्लब और बच्चों के लिए किड्स प्ले एरिया, ये भी इस सोसाइटी के अंदर दिया हुआ है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पर आपको गार्डन, टेंपल, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिल जाती हैं। और बाकी बात करता हूँ मैं रेंट पे, यहाँ पर अगर आप फ्लैट लेना चाहते हैं तो जो साइज़ रहेगा यहाँ पर, जो 2 BHK का साइज़ आता है, एक आता है 1029 और जो 2+ study का आता है वो आता है 1250 square feet और 3 BHK के दो साइज़ मिलते हैं 1340 और 1720 square feet। तो इस टाइप के यहाँ पर फ्लैट साइज़ रहने वाले हैं। और बाकी यहाँ पर जो रेंट पे आपको प्रॉपर्टी मिलेगी, वो मिलेगी आपको 12,000 रुपये प्रति मंथ से लेके 20,000 रुपये प्रति मंथ तक। वो डिपेंड करेगा फ्लैट साइज कौन सा रहने वाला है और आपका सेमी फर्निश रहने वाला है या फुल फर्निश रहने वाला है या रो फ्लैट लेने वाला है। बाकी यहाँ पर अगर आपको प्रॉपर्टी रेंट पर लेनी है, तो उसमें आपकी हेल्प करेगा रेंटपा, जो कि आपका नोएडा एक्सटेंशन के अंदर जीरो ब्रोकरेज चार्ज पर रेंट पर प्रॉपर्टी दिलाने का काम करता है। स्क्रीन पर आपको नंबर दिया हुआ है रेंटपा का। कोई भी जानकारी इस सोसाइटी से रिलेटेड या नोएडा एक्सटेंशन के अंदर कोई प्रॉपर्टी अगर आपको रेंट पे लेनी है, तो आप दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और उम्मीद करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे आपसे अगली वीडियो में। तो जय हिंद, जय भारत।